मार्च 2023 में टाटा मोटर्स की काफी अच्छी सेल हुई थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। लेकिन अप्रैल के महीने में क्या वही पोजीशन है या फिर इसकी सेल कम हुई है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्रैल 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है। सबसे पहले नंबर 10 पर आने वाली स्कोडा के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने 4009 गाड़ियां सेल करी है अप्रैल में। नाइन्थ पोजीशन पर आती है रेनो मोटर्स, जिसने 4323 गाड़ियां सेल करी हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। अब लगता है रेनो मोटर्स इंडियन मार्केट को समझने लगा है, जो यहां के लोगों की जरूरत को समझते हुए और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। आने वाले समय में डस्टर की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, 2024 तक उसका डेब्यू होगा और लॉन्च होते होते हो सकता है 2025 भी आ जाए। सिक्स्थ पोजीशन पर है एमजी, जिसकी 4551 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल में। इस कंपनी की बिक्री में सुधार आया है गाड़ियों में फेसलिफ्ट को लॉन्च करने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 पर आने वाली होंडा मोटर्स, जिसने 5313 गाड़ियां सेल करी हैं अप्रैल में। होंडा इंडिया के अंदर काफी पुरानी कंपनी है। होंडा सिटी और अमेज काफी प्रीमियम प्रोडक्ट हैं होंडा के, लेकिन जब भी इसकी बिक्री कम हो रही है। टाइम था जब केवल होंडा सिटी ही 5000 के आसपास बिक जाती थी, पर अब सारी गाड़ियों को मिलाकर इसकी सेल 5000 पर आ गई है। होंडा भी एक नई एसयूवी लॉन्च करने वाला है, हो सकता है इस साल के आखिरी तक लॉन्च हो जाए। सिक्स्थ पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 14162 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में। टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर दोनों ही गाड़ियों ने गदर मचा रखा है। ये दोनों ही गाड़ियां हर महीने 14000 से लेकर 15000 तक बिक जाती हैं। फिफ्थ पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 23216 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। कुछ समय में सेल्टोस का फेसलिफ्ट आने वाला है, देखते हैं उसके आने के बाद इसकी सेल में क्या इम्प्रूवमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पर है महिंद्रा, जिसने 34668 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 300, यही वो गाड़ियां हैं जो महिंद्रा की सेल को काफी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। नंबर 3 पर आई है टाटा मोटर्स, जिसने 47010 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। इस महीने में टाटा की सेल कम हुई है और वापस से ये तीसरी पोजीशन पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पर आने वाली Hyundai के बारे में, जिसने 49701 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स और Hyundai की सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 2700 गाड़ियों का डिफरेंस है। हो सकता है टाटा इसको आने वाले महीने में कवर कर ले। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी, जिसने 137320 गाड़ियां बेची हैं अप्रैल में पूरे भारत के अंदर। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार कंपनियां अप्रैल 2023 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका समय सुबह धन्यवाद।